प्रायोजक पतंजलि दंतकांति ट्रुथ पेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का आधुनिक कीटनाशक मिशन मिशन है तो जीत पक्की और पैरों की सुरक्षा और आराम के लिए लहर फुटवेयर चलती चले लहर नमस्कार स्वागत है आप सभी का 8 का अटैक में मैं आपके साथ खुशबू खान सियासत पर मशहूर शायर की एक शायरी एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है तुमने देखा नहीं आंखों का समुंदर होना आज जब प्रदेश में नए जिलों पर सियासी महाभारत शुरू हुई और सांचौर में जिलों को खत्म करने के सिर्फ बयान पर ही लोगों ने विरोध शुरू कर दिया ये तो शायरी की ये पंक्ति सियासत के भविष्य पर कई सवाल दागती है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने नए जिलों को लेकर कहा है सरकार 6 से 7 जिलों को खत्म कर देगी ये तुष्टिकरण की दृष्टि से बनाए गए हैं तो कांग्रेस की ओर से अब लगातार पलटवार होना शुरू हो चुका है जूली ने जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की नैतिकता पर ही सवाल दाग दिया है तो वहीं पूर्व मंत्री सुखराम विश्नोई ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है ऐसे में आज 8 का अटैक में चर्चा नए जिलों पर महाभारत पर करेंगे लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट तैयार किए दिखाएंगे आपको पिछले गहलोत राज में बनाए गए 17 नए जिलों का मुद्दा इन दिनों की सियासत में खूब सुर्खियों में है इसको लेकर भजनलाल सरकार जल्द ही बड़ा निर्णय करने वाली है पवार कमेटी ने मंत्रिमंडलीय कमेटी को रिपोर्ट सौंप दी है इस बीच कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक होने से पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का बड़ा बयान सामने आया है इसमें उन्होंने संकेत दिए हैं कि राजस्थान में 6 से 7 नए जिले समाप्त हो सकते हैं ऐसे कई गलत जिले बना दिए जैसे एक विधानसभा का जिला सांचौर एक विधानसभा का जिला केकड़ी ऐसे ऐसे जिले बना दिए जो तुष्टिकरण करने के लिए खुश करने के लिए ऐसे जिले बना दिए तो हम इसका कई जिले हटाएंगे मदन राठौर के इस बयान ने प्रदेश में सनसनी मचा दी है राठौर के बयान पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पलटवार करते हुए गोपनीयता भंग करने का आरोप लगा दिया पूर्व मंत्री सुखराम विश्नोई ने भी राठौर के बयान पर कड़ा ऐतराज जता दिया इधर सांचौर में तो जिले खत्म करने का विरोध भी शुरू हो गया है जैसे कि वो पूरी सारी जो चीजें हैं वो लीक कर रहे हैं सरकार की 6-7 जिले जो निरस्त करने की बात कर रहे हैं कम करने की बात कर रहे हैं या उनके डिजाइन चेंज करने की बात कर रहे हैं भाजपा की जो वर्तमान सरकार है उसकी नीति में खोट है इसलिए मदन राठौड़ ने इस तरह के वक्तव्य जारी करके एक पहले से ही मतलब कमेटी की रिपोर्ट आई नहीं पहले कैसे कह सकते हैं मदन राठौड़ जी कि जिले गलत बड़े हैं हालांकि बाद में बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने बयान जारी कर अध्यक्ष राठौड़ की बात को संभालने का प्रयास किया भारद्वाज ने कहा कि राजस्थान में कितने जिले रहेंगे कितने जिले खत्म होंगे ये राज्य सरकार तय करेगी वहीं जालौर के पूर्व सांसद देवजी पटेल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर जिले को यथावत रखने की भी मांग की है आज जब वो चुनाव हारने की कगार पे खड़े थे चुनाव के 6 महीने पहले तब एक साथ इतने सारे जिले बनाकर वाहवाही लूटने की कोशिश वो कर रहे थे अब कितने जिले बनेंगे कितने जिले रहेंगे कितने जिले नहीं रहेंगे ये तो सरकार को तय करना है सरकार की कमेटी को तय करना है गौरतलब है कि भजनलाल सरकार नए जिलों में फेरबदल करने को लेकर पूरी तैयारी में है ऐसे में देखना ये होगा कि जिलों का सियासत का ये दृश्य और कितना बड़ा रूप लेता है विष्णु शर्मा जी मीडिया जयपुर नए जिलों पर महाभारत इसी पर चर्चा करने वाले लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले कुछ सुलगते सवाल ये सुलगते सवाल वो होंगे जिनसे जो मेहमान हमारे साथ बैठेंगे
जब चर्चा करेंगे तो ये सुलगते सवालों का उन्हें सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहला सवाल, क्या होगा नए जिलों का भविष्य, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। दूसरा सवाल, आखिर नए जिलों पर कब होगा फैसला, इंतजार किया जा रहा है, ऐसा ना हो इंतजार लंबा हो जाए। सवाल नंबर तीन, क्या मदन राठौड़ ने कमेटी की रिपोर्ट की गोपनीयता भंग की है। सवाल नंबर चार, क्या पिछली सरकार में तुष्टीकरण की दृष्टि से जिले बनाए गए। ये सुलगते सवाल, सुलगते सवालों से हमारे मेहमानों को सामना करना पड़ेगा। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे मैं आपको मुखातिब करा देती हूँ। विकास जी हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। प्रतिष्ठा यादव जी कांग्रेस प्रवक्ता, स्वागत है आपका मैम। राजेश कसेरा जी वरिष्ठ पत्रकार है, स्वागत है मैम आपका, सर आपका। और सुखराम विश्नोई जी पूर्व मंत्री गहलोत सरकार, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और विकास जी अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सुखराम जी शुरुआत में आपसे करूंगी, बीजेपी कह रही है कि पिछली सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति करके कुछ लोगों को खुश करने के लिए कुछ जिले बना दिए, उन्हें खत्म किया जाएगा। मैम नमस्ते जी, ऐसा था क्या सर? कोई तुष्टीकरण की नीति नहीं अपने गहलोत साहब ने, लोगों की मांग थी, मांग के अनुरूप किया गया सभी जिले। मेरा जो सांचौर जिला बना है 150 किलोमीटर जालौर मुख्यालय से दूर है, दूरस्थ जो गांव है हमारे इंटरी गांव, उनकी दूरी 220 किलोमीटर, सबसे दूरी पे सांचौर जिला स्थापित है। एक तरफ गुजरात है, एक तरफ कच्छ रण है, और लोक कल्याणकारी सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि लोगों को तुरंत न्याय कैसे मिले, रिलीफ कैसे मिले, समय की बचत कैसे हो, इन बातों को लेकर के लोग सामने सर बात पूरी करिएगा। सर ये ओपनिंग कमेंट था ये आपका, 30-30 सेकंड सबको दिए जाते हैं, आठ का अटैक में हम देते हैं पहले। अब मैं प्रतिष्ठा जी आपसे भी ओपनिंग कमेंट लूंगी, 30 सेकंड आपके पास। प्रतिष्ठा जी शायद आपका माइक ऑफ है, उसे ऑन कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर उसके बाद काउंटडाउन शुरू होगा। जी जी जी, गहलोत सरकार ने जो जिले बनाए थे वो पब्लिक को सुविधाएं देने के लिए बनाए थे, और आज जो बीजेपी की सरकार है वो केवल और केवल राजनीति कर रही है। आप लोगों की भावनाओं को ध्यान में नहीं रख रहे। आप देखिए आए दिन यहाँ पर प्रदेश के हालात कैसे हैं, आए दिन कितने रेप हो रहे हैं, कितनी आज के पेपर में भी हम सब ने पढ़ा कि 5 करोड़ की रंगदारी के लिए फायरिंग हो जाती है। ठीक है मैम, ठीक है मैम, 30 सेकंड आपके पूरे हो गए, आप चर्चा पर जब आएंगे तो पूरी बात करिएगा। सर मैं आपका रुख करना चाहती हूँ, कसेरा जी 30 सेकंड आपके पास, क्या सोच रहे हैं नए जिलों का क्या होगा? बिल्कुल खुशबू, देखिए बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है, क्योंकि जिला केवल राजनीतिक सोच के साथ ही नहीं बनाना चाहिए। जिले के बहुत सारी, जब जिले का गठन होता है तो आर्थिक स्तर पर उसको मजबूत बनाना सबसे पहले जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलप करना जरूरी है। तो केवल सियासी तीर कमान या बयानों से जिला डेवलप नहीं होता, जिले को डेवलप करने के लिए पूरे आर्थिक और दूसरे संसाधन चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब हम विस्तार से बढ़ते हैं चर्चा पर। सुखराम विश्नोई जी आपका मैं रुक करूं, हमारे साथ विकास जी भी जुड़ गए, विकास जी का भी ओपनिंग कमेंट लेते हैं। विकास जी आप लोग तुष्टीकरण का आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन तस्वीरें कब तक क्लियर करेंगे और कितना इंतजार करना पड़ेगा, क्या होगा नए जिलों का भविष्य? देखिए जिलों के लिए जो है वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी का गठन कर दिया है, और उस कमेटी की रिपोर्ट बहुत जल्द जो है वो आपके सामने सरकार के माध्यम से रख दी जाएगी, और वो कमेटी जो है वो राजस्थान की जनता के हितों में ही निर्णय करेगी। हमारी सरकार वो नहीं है जो चुनाव से 6 महीने पहले जिलों का गठन कर रही है अपनी वोटों की राजनीति के लिए, बल्कि हम जिलों का गठन करेंगे वाकई में लोगों को जो है वो सुशासन देने के लिए। लेकिन कांग्रेस कह रही है लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इसलिए बनाए गए थे नए जिले, लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो, दूर दराज ना जाना पड़े, सारे मापदंड जो हैं उस पर खरे उतरे तब नए जिले बनाए गए, अब क्या दिक्कत आने लगी? आप मुझे ये बताइए खुशबू जी कि एक फर्क देखिए भजनलाल जी की सरकार और अशोक गहलोत जी की सरकार में, कि यहाँ काम हो रहा है चुनाव के 6 महीने होते होते, और वहां काम शुरू हुआ चुनाव के 6 महीने बचने के दौरान। अगर इनको लगता था, आप बताइए, अचानक तो कोई ऐसा हुआ नहीं कि राजस्थान में अचानक से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, अचानक से जो है वो लोगों की आवश्यकताएं बहुत ज्यादा बढ़ गई।
ये तो धीरे 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 करके ही जरूरतें बड़ी होगी ना। जब इनको 5 साल के कार्यकाल में सिवाय अपनी कुर्सी के राजस्थान की जनता के बारे में कोई ख्याल नहीं आया, 5 साल सिर्फ किस्सा कुर्सी का चला, लास्ट के 6 महीने में इन्होंने जिलों की जो रेलम पेल एक शुरू करी कि ये जिला वो जिला, जहां याद आया वहां जिला। इनफैक्ट जिस दूदू के बारे में बात हो रही है कुछ नहीं, नहीं, उसको पिछले बजट में ही तो इन्होंने नगर पालिका बनाया था। बीजेपी भी मान रही है ना उनकी जरूरत थी, 6-7 जिलों को छोड़ के तो मान रहे हैं बाकी जिलों की जरूरत थी। नहीं देखिए, देखिए खुशबू जी, देखिए जरूरत तो थी, लेकिन इनका आस ये उन जरूरतों को पूरा करना होता तो ये चुनाव के गठन के 6 महीने बाद ही वो जिले बनाते और अपने कार्यकाल के अंदर वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते, वहां पर संबंधित जिन जिन लोगों की आवश्यकताएं थी, जो अस्पताल की आवश्यकता होती, जो कलेक्ट्रेट की आवश्यकता होती, जो SP ऑफिस की आवश्यकता होती, जिन जिन सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकता होती, उन सबको वहां पर स्टेबल करने का ये प्रयास करते। लेकिन इन्होंने तो महज घोषणाएं करनी थी और लोगों के वोट लेने थे। देखिए इनकी राजनीति को राजस्थान की जनता ने सिरे से नकारा है। जगह जगह इन्होंने जिले की घोषणा करी, विधानसभाओं को इन्होंने जिला बना दिया, उसके बावजूद इनको हार का मुंह देखना पड़ा। तो मैं मानता हूं कि राजस्थान की जनता कर्नाटक और हिमाचल की जनता की तरह भोली नहीं है जो इनके जाल में फंस जाती। राजस्थान की जनता बड़ी समझदार है और उनको पता है कि ये चुनावी रेवड़ियां मात्र है, इनका जनता के हित से कोई सरोकार नहीं है। और इसी का परिणाम है कि हमारी सरकार राजस्थान की जनता ने चुन के रोई जी, आपका रुख करना चाहती हूं कि जिस तरह से बीजेपी द्वारा कहा जा रहा है तो स्टिकरण का आरोप लगाया जा रहा है, आखिरी में 6 महीने चुनाव को देखते हुए जिलों की घोषणा कर दी, क्या यही था चुनाव को देखते हुए और तुष्टीकरण की राजनीति थी कुछ लोगों को खुश करने के लिए? सुखराम जी, क्या अब तक आवाज आ रही है? आ रही मैम, आ रही जी, जवाब दीजिए। देखो मैम, अभी सेंसेस की घोषणा हो गई, साथ ही जिला परिषद के पंचायत समिति के चुनाव है, इसलिए ताकीद कर रहे हैं कि पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव नए जिले के अनुसार हो या पुराने जिले के अनुसार हो, इसलिए जल्दी कर रहे हैं। किसी भी सरकार ने, लोक कल्याणकारी सरकार ने, जो पहली सरकार ने फैसला लिया है, दोबारा सरकार है, किसी ने निरस्त नहीं किया। बीजेपी ये मंशा है कि लोग को जल्दी न्याय नहीं मिले, लोगों को समय की बचत हो। मेरा आपसे निवेदन कि ये जो निर्णय लिया जा रहा केवल मात्र राजनीतिक निर्णय है, अशोक ने सोच समझ कर निर्णय लिया। आप बताइए, मेरा जो सांचौर जिला बना है 150 किलोमीटर दूर है, 150 किलोमीटर दूर कोई भी जिला बता दो, दूधो बना है तो इनका उप मुख्यमंत्री बना हुआ है। आप अब जिला निरस्त करोगे, उस उप मुख्यमंत्री को उस दूध में जाने देंगे क्या? ये केवल मात्र लोगों को डराने धमकाने की बात है, केवल मात्र वाई लूटने की बात है। अशोक लोग जिले बनाए, बिल्कुल मजबूती के साथ जिले बनाए, वहां कायदा सभी अधिकारी लगे हैं, डिपार्टमेंट खोले, 50 डिपार्टमेंट मेरे वहां खुले हुए, जमीनें आवंटन होगी, बकायदा प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। जो स्ट्रक्चर है वो एकदम तो हो नहीं सकता 4 महीने में। इस सरकार की ड्यूटी बनती है जहाँ जिले घोषित किए वहां तमाम स्ट्रक्चर खड़े करें, इनको खड़े नहीं करने, इसलिए जान बूझ करके इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन सुखराम जी, बीजेपी यही तो कह रही है, आखिरी के 6 महीने बना दिए, जल्दबाजी में बना दिए और सिर्फ कुछ लोगों को खुश करने के लिए, तुष्टीकरण को देखते हुए, चुनाव को देखते हुए इसलिए बनाया गया। क्या चुनाव को देखते हुए? क्योंकि देखिए 5 साल आप लोगों के पास थे, आखिरी के 6 महीने में अगर अनाउंसमेंट होगी तो जाहिर तौर पर सवाल तो खड़े होंगे ना सर। देखो मैम, जब लोगों की मांग होती है, धीरे सब इकट्ठी होती तब जाके घोषणा करते हैं। 5-4, 4.5 साल में जब सभी मांगे इकट्ठी हुई तब जाकर गहलोत साहब ने घोषणा की। कोई उसमें बदनी इतनी नहीं थी, कोई तुष्टिकरण की नीति नहीं थी, केवल लोगों को रिलीफ कैसे मिले, ये गहलोत साहब कांग्रेस सरकार की भावना थी। विकास जी सुन रहे हैं, सिर्फ लोगों को रिलीफ मिले इसीलिए, बस यही मंशा थी, इसीलिए नए जिलों की घोषणा की गई। अब क्या दिक्कत आन पड़ी उन्होंने बता दिया। देखिए सुखराम जी बता रहे हैं कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं और कितनी दूरी का सामना करना पड़ता है। जिन जिलों का जिक्र भी हो रहा है उनकी दूरियां भी तहसील से बता दी। अब ऐसे में जो है अगर लोगों को सुविधाएं मिल रही है तो फिर तो बीजेपी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए खुशबू जी, मैं तो आपके माध्यम से सुखराम जी को ये पूछना चाहता हूँ कि ये दिक्कतें कोई ऐसा कोई भूकंप आया था क्या कि जिससे राजधानी और संबंधित जिले दूर सरक गए?
सुखराम जी कोई अचानक जिले दूर हो गए थे क्या? 4.5 साल आपने जो है वो ये क्यों नहीं किया? अगर आप 4.5 साल पहले इसकी घोषणा कर दी होती तो 4.5 आपकी सरकार 4.5 साल आपकी सरकार में आप बिल्कुल आराम से इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करते। आप मुझे बताइए, मैं चुनाव के 6 साल पहले जब आप इस प्रकार की घोषणा करते हैं तो मैं ही नहीं पूरा राजस्थान आपकी घोषणा को संदेह की दृष्टि से देखता है श्रीमान जी। अगर आपको काम करना था तो अपने टेन्योर में कर देते ना सर। अब आप जिला बना है, सिर्फ 2 MLA कॉन्स्टिट्यूसी बना है और वसुंधरा जी ने बनाया, गहलोत साहब उसको निरस्त नहीं किया। ये होता बड़प्पन, ये होता धौलपुर, राजसमंद बने, ये सभी छोटे जिले बने हैं। अरे तो आप तो प्रतापगढ़ की बात कर रहे हैं, हम तो बहुत सारे रखेंगे सर। कभी रद्द नहीं किया। आपकी मंशा होती है कल्याणकारी काम नहीं होना चाहिए, केवल मात्र हम के जाति के नाम से लड़ाओ और राज करते जाओ। विकास जी जवाब दीजिए। काफी ज्यादा जी, देखिए अब इन बातों का तो मैं क्या जवाब दूं। ये एक प्रतापगढ़ का उदाहरण दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपके काफी जिले रखेंगे हम। आप एक प्रतापगढ़ की कह रहे हैं ना, आपके एक प्रतापगढ़ से तो कई ज्यादा जिले हम रखेंगे, आप निश्चिंत रहिए। और हम क्या रखेंगे इसमें, मैं और हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी ने तो देखिए कार्यकर्ताओं के मंतव्य को आपके सामने रखा है। जो कार्यकर्ता वहां आते हैं और जिस प्रकार का वो वहां के माहौल के बारे में बताते हैं वो उन्होंने रखा है। बाकी सरकार ने एम्पावर्ड कमेटी का गठन कर दिया है, वो कमेटी जो निर्णय देगी, जो कमेटी जो रिपोर्ट पेश करेगी उस रिपोर्ट के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना है। तो क्यों कर रहे हो, क्या पड़ी इनकी निर्णय? कल्याणकारी सरकार का मतलब क्या होता है? जो फैसले जनहित में लिए गए उनको कंटिन्यू किया जाए, इनका मतलब ये होता है। बिश्नोई साहब आप एक बात तो मानते हैं ना कि कल्याणकारी फैसले लेने में आपने 4.5 साल की देरी करी, ये तो मानते हैं सर। 4.5 साल खुद का कल्याण, फिर कहीं जनता का कल्याण याद आया आपको? चिरंजीवी योजना लागू बंद, क्योंकि आयुष्मान में अरे श्रीमान जी हमने गहलोत साहब ने बनते ही चिरंजीवी योजना लागू की थी। कौन सी योजना है, मतलब जनहित की नहीं, जो भी योजना लागू की, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, लागू की। अब आपको इसमें सभी राजनीति बू आ रही है, बिश्नोई साहब एक बात का जवाब दे देंगे मेरी। गहलोत साहब ने बिल्कुल लोगों को हित में रखकर के जिले बनाए। बिश्नोई साहब जी एक बात का जवाब दे देंगे बिश्नोई साहब मेरी? हाँ दे देंगे, दे देंगे। आप मुझे ये बताइए, आपने अपने पूरी सरकार के कार्यकाल में कितने लोगों को 5 लाख से 25 लाख के बीच में इलाज करा के दिया? आप मुझे वो नंबर बता दीजिए सर। आपको 25 लाख की जरूरत आन पड़ी ना, आपने 5 लाख से ज्यादा कितनों को दिया? जो मुद्दा उससे भटकेगी नहीं, मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। क्या मदन राठौड़ ने कमेटी की रिपोर्ट की गोपनीयता भंग की है क्या सर? राजेश कसेरा जी जी देखिए क्या होता है कि जब आपकी सरकार है, सरकार को निर्णय करना है, आपका संगठन मजबूत है, तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जब किसी भी जगह पर जाते हैं, दौरे पर जाते हैं, वहां के कार्यकर्ता वहां की जनता उनसे मुलाकात करती है, तो उसे केवल और केवल पॉलिटिकल बयान ही माना जाना चाहिए, क्योंकि सरकार में उनकी कोई भागीदारी नहीं है, सरकार का वो महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है, वो केवल संगठन की बात करते हैं, उनको संगठन के दायरे तक उसको सीमित रखना चाहिए। अभी जो पूर्व मंत्री जी हैं उन्होंने कहा है कि प्रतापगढ़ जिला 2008 में बना, आज उसको बनने में 16 साल हो गए। मैं पिछले दिनों प्रतापगढ़ जाकर आया, आज भी वो प्रतापगढ़ जो है मूलभूत सुविधाओं के लिए तलाश रहा है। वहां पर अब तक भी सरकार दो तीन सरकार निकल गई, वहां पर अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं कर पाई। अगर 19 जिले बना रहे, इतने संभागीय आयुक्त बना रहे, ये सांचौर को 160 किलोमीटर दूर बता रहे हैं, आप जरा कुशलगढ़ को देखिए जो बांसवाड़ा से 250 किलोमीटर दूर है, फिर तो स्थिति और ज्यादा खराब है। लेकिन क्या केवल राजनीतिक प्रपंच को ढांपने के लिए और सियासत को करने के लिए अगर हम सारी चीजों पर बात करेंगे तो हम कॉन्क्रीट प्रदेश को कुछ दे नहीं पाएंगे। अगर कोई जिला बनता है तो वहां पर कलेक्टर बैठेगा, SP बैठेगा, वहां पर जो सब डिविजन डिवाइड होंगे, तहसीलदार बैठेंगे, तो इन सबको बैठने के लिए माकूल व्यवस्था चाहिए, फंड चाहिए। अगर एक जिला बनता है तो 2 से 3 हजार करोड़ रुपए वहां पर फंड चाहिए, ये सरकार कहां से लाएगी? तो केवल सियासी दावपेच से या केवल वाहवाही लूटने के लिए यदि आप जिले बनाएंगे तो उससे लोगों का कल्याण नहीं हो पाएगा। अगर गहलोत साहब ने प्रतिष्ठा जी क्या वाहवाही लूटने के लिए बना दिए गए थे जिले, उसमें आगे क्या होगा ये रोड मैप तैयार नहीं किया गया था? चुनाव में 6 महीने और उस 6 महीने में सिर्फ वाहवाही चाहिए थी क्या? खुशबू जी ऐसा कुछ नहीं है, सभी निर्णय बहुत सोच समझकर और जनता को रिलीफ देने के लिए किया गया था, लेकिन बीजेपी केवल राजनीति कर रही है। आज
प्रदेश की हालात इन्होंने बदतर और राजनीतिक पार्टी है तो राजनीति तो करेगी, राजनीति आप लोग भी कर रहे हैं। अब अगर कह रहे हैं सभी जिलों के तो जिक्र नहीं कर रहे हैं, यही तो कहा जा रहा है 6 से 7 जिले। खुशबू जी हमने जनसेवा की थी, राजनीति तो बीजेपी कर रही है, जो तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को जो गहलोत सरकार की थी, जिनके लिए खुद प्रधानमंत्री जी यहाँ कर बोल के गए थे कि हम इन योजनाओं को बंद नहीं करेंगे, तमाम को बंद कर दिया रिव्यू के नाम पर या उनका किसी का नाम बदल दिया गया। केवल जनता आप देखिए कि जब से बीजेपी मुद्दे से मत भटकिए वरना मैं बहुत सारी चीजें प्रतिष्ठा जी याद दिलाऊंगी, फिर बहुत सारी चीजें याद दिलाऊंगी। इसी मुद्दे पर रहते हैं, नए जिलों के भविष्य के बारे में जान लेते हैं। सिर्फ राजनीति के लिए बनाए गए थे क्या? नहीं, कोई राजनीति के नहीं लिए बनाए गए, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, राजस्थान को अग्रणी पंक्ति में ले जाने के लिए बनाए गए थे, लेकिन बीजेपी क्या ऐसा हो पाया? आम आदमी को रिलीफ नहीं करना चाहते। पूरे 5 साल थे आप लोगों के पास, आखिरी के 6 महीने में याद आया था क्या प्रतिष्ठा जी? क्या बना दिया इन्होंने? 5 साल थे, सिर्फ आखिरी के 6 महीने में याद आया था क्या? पहले कोई भी जहाँ से जिला राजनीति नहीं हो रही थी, राजनीति फायदा नहीं देखा जा रहा था क्या प्रतिष्ठा जी? पर सरकार संज्ञान लेती है, उस पर रिसर्च होता है, ऐसे ही डिक्लेरेशन उसके लिए आप लोगों को 4.5 साल लग गए, 4.5 साल लग गए रिसर्च करने में। चुनाव के आखिरी में याद आया कि हाँ अब रिसर्च कंप्लीट हो गई है देना, लेकिन उसका नामकरण इन्होंने कर दिया। खाने में क्या देंगे बच्चों को ये नहीं पता, नामकरण योजना का बदल दिया। तो ये सिचुएशन बीजेपी की है, हम पहले वर्क करती है हमारी सरकार, उसके बाद घोषणाएं करती है कि यहाँ पर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और किसी भी जिले किसी नहीं, चुनाव के टाइम पर सारी घोषणाएं याद आ रही थी, चुनाव के टाइम पर लोगों का हित नजर आ रहा था। 4.5 साल क्या कुर्सी बचाने में लग गए थे प्रतिष्ठा जी? ये चुनाव के लिए नहीं बनाए, सरकार 5 साल के लिए जनता चुनती है, ये तो अभी तक तो सिर्फ सरकार वो कह रहे हैं हमने 9 महीने में काम करके दिखाने शुरू कर दिए हैं, आप लोगों ने आखिरी में जाके दिखाने शुरू करे थे। आप राजधानी के हालात देख लीजिए, सबसे बदतर हालात हो गए हैं खुशबू जी, लेकिन बीजेपी से आप पूछोगे तो कहेंगे अभी तो हम सत्ता में आए हैं 9 महीने तक, तो अभी ये कह रहे अभी तो हम आए हैं, अभी तो हम सिर्फ बयानबाजी में व्यस्त है। विकास जी जवाब दीजिए, नए जिलों का भविष्य क्या होगा? क्या सिर्फ आप लोग राजनीति कर रहे हैं, पुरानी योजनाओं का नाम बदल रहे हैं या उन्हें बंद कर रहे हैं, या नए जिलों को लेकर अब आप लोग तुष्टीकरण कर रहे हैं, या कोई राजनीतिक है ढूंढ रहे हैं इसमें भी? जिस सरकार ने 4.5 साल देखिए खुशबू जी, राजनीतिक हित कौन ढूंढ रहा है, तो पूरा राजस्थान देख रहा है। जिन लोगों ने 4.5 साल तक तो सिर्फ गुस्सा कुर्सी का चला, जिसमें पेपर लीक और तमाम घटनाएं इन लोगों के द्वारा की गई, और आज ये यहाँ बैठ के बात करते हैं कि हमने जनता के हित के लिए जिलों का गठन किया था, तो मैं मानता हूँ कि इनकी इस बात से पूरे राजस्थान को ही हंसी आ रही होगी, क्योंकि महज 6 महीने में जो इनको जनता का हित याद आया, वो भी एक चुनाव कैंपेन करने वाली एक चुनाव कैंपेन करने वाली एजेंसी के आइडियाज के ऊपर, पर्पल कलर के बड़े बड़े पोस्टर बना के जो इन्होंने घोषणाओं का एक वो अभियान चलाया, जिनमें से एक भी घोषणा इनको पूरी करनी थी नहीं। आज भजन लाल जी की सरकार राजस्थान की जनता के लिए, हितों के लिए समर्पित होकर रात दिन अनवरत कार्य कर रहे हैं, और राजस्थान को विकसित भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलाने के लिए निरंतर आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। ऐसे मुख्यमंत्री नए जिले बन गए जी सभी, तो इसमें भी राजनीति तो ढूंढ ही ली आप लोगों ने। देखिए ये हमारी तरफ से खुशबू जी कोई राजनीति नहीं है, इनके राजनीतिक स्वार्थों के लिए जो गठन किए गए हैं उसका भार देखिए, आज राजस्थान के अंदर जो कर्ज जो छोड़ के गए हैं, जो आर्थिक स्थिति है छोड़ के गए हैं, मैं नहीं मानता कि राजस्थान के ऊपर इतना आर्थिक भार आज के समय में अनावश्यक रूप से डालना चाहिए। जिले हो और जिले सुचारू रूप से कार्य करें खुशबू जी, जिलों का गठन मात्र कर देना हमारा उद्देश्य नहीं है। कैसे शांत करेंगे उन्हें, कैसे समझाएंगे? देखिए वो तो इनका इंटेंशन यही था कि लोगों को जो है वो सिर्फ हमें जिलों का ख्वाब दिखाना है, जिले बनाने तो इनको थे नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है भोली भाली जनता जो है उसको तो ये लगता ही है कि हमारे जिले घोषित हो गए थे, लेकिन खुशबू जी इनको सिर्फ घोषणा करनी थी, हमें उन जिलों को जिला बनाना है, इनको सिर्फ घोषणा करनी थी, हमें तो उनको जिलों का मूल रूप देना है खुशबू जी, और उनको मूल रूप देने के लिए कितना आर्थिक भार आएगा वो राजस्थान की जनता भी एक जिले को खड़ा करने के लिए खुशबू जी एक जनता ने विश्वास किया आपको सत्ता में लेकर आए, कांग्रेस को दरकिनार कर दिया, करोड़
मूल रूप देना चाहिए था, उनमें से हटाई जाइए। इस नाम भर से नाराज, हमारे घोषणा पत्र में तो जिलों का गठन था भी नहीं, हमारे घोषणा पत्र में जिलों का गठन नहीं था खुशबू जी, हमारे घोषणा पत्र में तो सुशासन था, और सुशासन के लिए जो आवश्यक होगा वो हमारी सरकार करेगी। महज कांग्रेस के घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने के लिए हमारी सरकार का गठन नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी ने एम्पावर कमेटी का गठन किया है, कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी आपसे लेना चाहूंगी। क्या 4.5 साल तक सर किस्सा कुर्सी का चलता रहा, और आखिरी में जो है तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी, इसीलिए ये तमाम बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी, और जनता ने फिर भी आप लोगों को विपक्ष में बैठा दिया। मैम, मैं बीजेपी के प्रवक्ता पूछना चाहता हूँ, जो पूर्वी सिंचाई परियोजना या सीपी जो परियोजना एमपी के चुनाव से 2-4 महीने पहले घोषणा की, आपने किस लिए घोषणा की? राजनीतिक फायदे नहीं की आपने? आपने एमपी जीते हुआ क्या पूर्व में? आप हमारे जिले की बात कर रहे हो, आपने इष्ट परियोजना थी, इसकी चुनाव से पहले घोषणा क्यों की? हम 5 साल तक कहते रहे कि प्रधानमंत्री अजमेर घोषणा करके इसको कार्यरूप तो नहीं दिया, नहीं दिया, और जैसे आपकी सरकार बनी 4 महीने चुनाव बसे, आपने घोषणा कर दी, राजनीतिक लाभ नहीं किया, आपने घोषणा किया, जवाब दो आप मेरे बात। 20 सेकंड दे रही हूं मैं विकास जी आपको, वक्त इतना ही है मेरे पास अभी। देखिए खुशबू जी, विश्नोई जी जो है बड़े वयोवृद्ध व्यक्ति हैं, सम्माननीय हैं, हमारे भी मेरे से तो उम्र में काफी ज्यादा बड़े हैं, मेरी तो उम्र से ज्यादा इनका शायद राजनीतिक तजुर्बा रहा होगा, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ इनको, आप बताएं कि आरसीपी की घोषणा हुई कब थी, इनको आप ही बताएं कि चुनाव के 3, आपको बता दूं मंत्री महोदय, नौनेरा बांध जो है ईआरसीपी का पहला बांध, उसकी आज टेस्टिंग हो रही है, महज 8-9 महीने की सरकार हुई है ना सर, उसमें पहले बांध की टेस्टिंग भी हो रही है, और वो घोषणा कब की थी आप याद करिए, गहलोत साहब की सरकार के गठन, सुनिए सर, अब सुनिए सर, वसुंधरा राजे जी की सरकार के समय इसकी घोषणा हो गई थी। चलिए सर, मैं आपसे गजेंद्र सिंह जी चाहूंगी, मैं यहीं पर मैं आपको रोकूंगी चर्चा में। आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े, विकास जी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रतिष्ठा जी बहुत बहुत शुक्रिया, राजेश कसेरा जी बहुत बहुत शुक्रिया, सुखराम विष्णु जी आप भी जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम दर्शक लगातार बने रहे आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब सवाल यही बना हुआ है कि पूरी तरह से राजनीति हावी है, नए जिलों पर महाभारत हो रही है, अब नए जिलों का क्या होगा? तुष्टीकरण पहले हुआ था या अब हो रहा है? अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है, लोग नाराजगी जाहिर करने लगे हैं, आंदोलन की बातें भी सामने आने लगी हैं। 8 का अटैक में सवाल यही बना हुआ है कि अब नया जो रिकॉर्ड होगा, नए जिले कितने रहेंगे, कब सरकार का रुख साफ होगा, ये बना हुआ है सवाल। इसी के साथ 8 का अटैक में इतना ही, दीजिए इजाजत, देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 चैनल जी राजस्थान, नमस्कार।